जैसे कि आप जानते हैं हम लोग वोकेबलरी कर रहे हैं आपके एग्जाम्स के लिए और रोज़ वोकेब्लरी करने से हमारी इम्प्रूवमेंट जो है वो काफ़ी अच्छी होती जा रही है हमें बहुत सारे वर्ड्स सीखने को मिल रहे हैं तो जो भी स्टूडेंट्स वोकेबलरी को लेकर परेशान होते हैं दुखी होते हैं स्ट्रेसड आउट होते हैं कि यार वो तो आप इस सेशन को अगर फॉलो करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा धीरे धीरे आपकी वोकेबलरी इंप्रूव होने लगेगी तो जल्दी से सेशन को शेयर करते हैं जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए आप लोग भी काइज अगर आपने तो अभी तक अंडर ट्वेंटी फोर सेवन की ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो इस ऐप को आज ही डाउनलोड कर लीजिएगा क्योंकि इस ऐप आप में आपको हर वो चीज मिलेगी जो कि आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है चाहे कि वो आपका करेंट अफेयर अलर्ट डेली क्वेज सब्जेक्ट वाइज क्वेज मैगजीन पावर कॉल सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा सो डू डाउनलोड द ऐप लेट्स स्टार्ट द सेशन गाइस चलो आज का आपका वर्ड है एंटोरिम आपको बता रहे हैं सिवियर वॉट इज यर सिवियर का एंटोनिम क्या हो जाएगा क्रूअल स्ट्रिक्ट हार्श या करेक्ट ठीक है क्रूअल का मतलब होता है कोई व्यक्ति जो बहुत क्रूर है है ना कोई व्यक्ति जो बहुत क्रूर उसे हम क्रूअल कहते हैं स्ट्रिक्ट का मतलब होता है बहुत ज्यादा कड़ा होना है ना बोलते हैं बहुत कड़े रूल्स हैं उसे हम कहते हैं स्ट्रिक्ट हार्श भी होता है एक तरह से कड़ा होना और माइल का मतलब सौम्य होता है ना माइल का मतलब होता है सौम्य होना सॉफ्ट होना राइट तो व्हाट इज द एंटोनम ऑफ सिवियर सिवियर का एंटोनम गाइस क्या हो जाएगा सिवियर का मतलब होता है कोई चीज बहुत ज्यादा यू नो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम है है ना सिवियर का मतलब होता है कोई चीज जो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम होती है उसे हम कहते हैं सिवियर होना तो एंटोनियम गाइस इसका क्या हो जाएगा एंटोनियम क्या हो जाएगा किसी चीज का एंटोनियम हो जाएगा सिवियर का मतलब बहुत ज्यादा तो देखो

क्या हो जाएगा वैलिडेट करना होता है कंफर्म करना पोस्ट करना वेरीफाई करना वैलिडेट का मतलब होता है एक तरह से ना किसी को कंफर्म करना ही होता है ना किसी चीज को कंफर्मेशन देने को हम वैलिडेट करना कहते हैं कंफर्म करना है ना किसी के अपोज करना मींस किसी के विरोध होना है ना अपोज करना मीन किसी के विरुद्ध होना और वेरीफाई का मतलब होता है किसी चीज की जांच करना वेरीफाई का मतलब होता है किसी चीज की जांच करना तो व्हाट इज द एंटोरेम ऑफ कोरोबोरेट कोरोबोरेट का एंटोरेम क्या हो जाएगा ठीक है कोरोबोरेट का एंटोनिम क्या हो जाएगा कोरोबोरेट का मतलब होता है अगेन ये आपके सिनोनिम हो जाएंगे वैलिडेट करना किसी को वेरीफाई करना तो जब हम चीज़ों को वेरीफाई करते हैं वैलिडेट करते हैं कंफर्म करते हैं तो उसके लिए एक और वर्ड होता है कोरोबोरेट करना ना जब चीज़ों को वैलिडेट करते हैं कन्फर्म करते हैं तो उसके लिए भी वर्ड होता है कोरोबोरेट करना तो एंटोनिम वाइज इसका क्या हो जाएगा इसका एंटोनिम हो जाएगा राइट ऑब्वियसली अपोज करना उसके खिलाफ होना उसके अगेंस्ट होना तो किसी चीज़ के अगेंस्ट होना

इंटरप्रिट का एंटर क्या हो जाएगा अनइमोशनल होना सेंटिमेंटल होना रिस्पॉन्सिव होना कावर्डली होना या फिर ऑल आर करेक्ट होना ठीक है अनइमोशनल होना सेंटिमेंटल होना रिस्पॉन्सिव होना कावर्डली होना या फिर ऑल आर करेक्ट होना तो अनइमोशनल इमोशनल मतलब आप जानते हैं कि कोई व्यक्ति इमोशनल है है ना कोई व्यक्ति इमोशनल है और एंटोनि अन इमोशनल मतलब कोई व्यक्ति इमोशनल नहीं है बहुत मतलब अपने इमोशंस को लेके बहुत स्ट्रिक्ट है है प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल हम कह सकते हैं हैं ना गाइस एक होते इमोशनल एक होते हैं प्रैक्टिकल सेंटिमेंटल होते हैं जो लोग बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं ठीक है रिस्पॉन्सिव जो रिस्पॉन्स करते हैं रिस्पॉन्सिव हम किसे कहेंगे जो किसी को रिस्पॉन्स कर रहा है किसी चीज में उस हम रिस्पॉन्सिव कहेंगे और कावड़ली का मतलब होता है डरपोक ठीक है कावर्डली का मतलब हो जाएगा डरपोक होना सो so, इंटरपेड का मतलब गाइस क्या होता है है ना इंटरपेड का मतलब होता है जो लोग कहें गाइस सिर्फ so, तो फटाफट आंसर देंगे क्या हो जाएगा वट इज दम ऑफ इंटरपेड तो इंटरपेड का मतलब होता है बोल्ड होना का मतलब होता है जो कि बोल्ड है ब्राजन है है ना तो जो बोल्ड होते हैं ब्राजन होते हैं उससे हम इंट्रोपिट कहते हैं जिनको पिटने का डर नहीं होता जिनको पिटने का डर नहीं होता उससे हम इंटरपेड कहते हैं तो इसका एंटोनियम गाइस क्या हो जाएगा कावडली इसका एंटोनेम हो जाएगा कावर्डली होना डरपोक होना तो इंटरपिड होते हैं जो डर जो डरते नहीं है किसी चीज से इंटरपिड कौन होते हैं जो चीजों से डरते नहीं है और एंटोनेम हो जाएगा जो लोग डरपोक होते हैं कावर्डली होते हैं तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं

उतना तीखा नहीं है है ना इतना कोई चीज जो तीखी नहीं होती उसे हम कहते हैं ब्लंट तो पॉइंटलेस है ये है है ना डल है, और एंटोने राउंड हो जाएगा गोल होना है ना तो कोई चीज़ गोल है कर्वी है है मगर उसमें पॉइंट नहीं तीखा नहीं है है ना तो ब्लंट का एंटोनेम क्या हो जाएगा इसी तो आंसर मैंने आपको खुद ही बता दिया ब्लंट का एंटोनेम क्या हो जाएगा इसका आंसर तो मैंने आपको खुद ही बता दिया है व्हाट इज द एंटोनेम ऑफ ब्लंट ब्लंड का एंटोनिम हो जाएगा ऑब्वियसली शार्प ब्लंड का एंटोनिम हो जाएगा कि कोचेस एकदम शार्प है तीखी है तो ब्लंड का एंटोनिम हो जाता है शार्प ओके आगे मूव करते हैं ट्रांसपेरेंट का एंटोनिम गाइस क्या हो जाएगा व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ ट्रांसपेरेंट व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ ट्रांसपेरेंट क्लीन ब्यूटीफुल ओपेक शानेग या ओला करेक्ट

तो जहाँ से मतलब जो ट्रांसपेरेंट नहीं होता आप लोगों को आंसर तो बड़ी मिल रहा है जो ट्रांसपेरेंट नहीं जो आर पार नहीं होता जैसे आप आर पार नहीं देख सकते जैसे कि अगर आप वॉल जो होती है ओपेक होती है आप एक साइड से दूसरे साइड नहीं देख सकते है ना और ग्लास जो होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है कि आप एक साइड से दूसरे साइड को देख सकते हैं है ना एक साइड से दूसरे साइड को देख सकते हैं शाइनिंग का मतलब होता चमकीला

तो सफिशंट का मतलब होता है पर्याप्त ठीक है स्कार्स का मतलब भी होता है कम कमी होना डेफिशंट का मतलब भी कमी होता है और स्कैंटी का मतलब भी कमी होता है मतलब स्कार्स डेफिशन और स्कैंटी तीनों सिनोनिम है तीनों का मतलब होता है कोई चीज में कमी है कोई चीज बहुत कम मात्रा या संख्या में है ठीक है तो आप लोग कम के लिए कौन कौन से वर्ड्स याद कर सकते हैं स्कॉर्स होना डेफिशंट होना स्कैंटी होना या मीगर होना है ना स्कार्स होना स्टेफिशन होना स्कैंटी होना मीगर होना ये आपके वर्ड्स हो जाएंगे और आपका आपका यहाँ पे एंटोनिम क्या हो जाएगा एंटोनिम बोलेगा कि पर्याप्त मात्रा में है ये सफिशिएंट है ये पर्याप्त मात्रा में है ये सफिशिएंट है तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए सो एंटोनिम ऑफ मीगर इज सफिशेंट ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ हॉरेंडस ट इज द एंटोनिम ऑफ हॉरिंडस हॉरिंडस का एंटोनिम ऑफ हॉरिंडस का एंटोनिम क्या हो जाएगा बताएंगे वॉचफुल होना प्लीजेंट होना ड्रेरी होना या फ्राइटनिंग होना चले बताएंगे वॉट इज द एंटोनेम ऑफ हॉरिंडस हॉरिंडस का एंटोनिम क्या हो जाएगा क्विकली आप लोग मुझे इस क्वेश्चन इस वर्ड का आंसर देंगे ट इज द एंटोनेम ऑफ हॉर इंडस वॉचफुल वो होते हैं जो बहुत सतर्क होते हैं, hmm? Watchful हो होते हैं जो बहुत ज्यादा सतर्क होते हैं प्लीजन इज समथिंग वेरी गुड ओके मतलब थकाउ है ना समथिंग जो कि बहुत ज्यादा यू नो बहुत टायर्ड कर रहे हैं समथिंग विच इज वेरी यू मेक यू लेनाजी के लिए भी हम कह सकते हैं ओके एंड फ्राइटनिंग इज डरावना तो आप जानते हैं ठीक है तो ट ऑफ हॉरेंडस तो जो चीजों में क्या होगा आंसर आप तो बताएंगे फटाफट तो इसमें antonym क्या हो जाएगा horrendous का व्हाट इज द एंटोनेम ऑफ हॉरेंडस हॉरेंडस का एंटोनेम क्या हो जाएगा हाँ जी तो हॉरेंडस हॉरर से भरा हुआ है

पॉल्यूट मीन्स गंदा करना और क्लेंस का मीन्स साफ करना ठीक है तो कंटामिनेट का मतलब होता है गंदा करना है ना हम वाटर को एयर को और लैंड को ऑलरेडी बहुत ज्यादा पॉल्यूट कर चुके हैं और कर रहे हैं तो हम लोग अपने इंडिया अपने वर्ल्ड को बहुत ज़्यादा पल्यूट कर रहे हैं गंदा कर रहे हैं है ना और हमें इसे क्या करना है हमें इसे साफ करना है तो एंटोनियम हो जाएगा क्लेंस करना हमें इसे साफ करना है तो एंटोनेम हो जाएगा क्लेंस करना नेक्स्ट में मूव करते गाइस व्हाट इज द दम ऑफ ट्रांसपेरेंट चलो ये वर्ड हमने किया मगर ऑप्शंस आपके यहाँ पे बदल गए हैं थोड़े से फिर भी आप बता ही सकते हैं व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ ट्रांसपेरेंट ट्रांसपेरेंट का एंटोनिम क्या हो जाएगा क्लियर है ओपेक है शाय है सुपरफिशियल है व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ ट्रांसपेरेंट ट्रांसपेरेंट का एंटोनिम क्या हो जाएगा क्लियर ओपेक शाय या फिर सुपरफिशियल क्लियर मींस साफ होता है है ना ओपेक तो का मतलब अगेन अपारदर्शी कहते हैं ठीक है, है, और ऊपरी। तो आपका मींस आर पार होता हो हो जाएगा that means not clear. हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं वॉट इज द एंटोनेम ऑफ पंजन वॉट इज द एंटोनेम ऑफ पंजन पंजन का एंटोनेम क्या हो जाएगा बाइटिंग सार माइल या फिर शार्प

शार्प का मतलब होता है तीखा माइल्ड का मतलब होता है आ, कम है ना तो पंजन का मतलब क्या होता है पंजन का मतलब तीखा थी, खट्टा तेज जब मसालेदार जैसे आप गोलगप्पे खाते हैं तो आप बहुत मसालेदार तेज या खट्टा खाते हैं राइट आप मसालेदार बहुत तेज या खट्टा खाते हैं तो सब कहते हैं पंजन और एंटोनियम क्या हो जाएगा इसका एंटोनियम हो जाएगा कोई चीज एकदम मतलब माइल्ड बोलते ना माइल्ड छक्कर डकना भैया माइल्ड मतलब तो हल्का मसाला रखना हल्का तीखा रखना तो पंजन का यहाँ पे माइल्ड का मतलब हो जाएगा हल्का है ना तो हम जब हल्का मसाला खाते हैं हल्का तीखा खाते हैं हल्की चीनी लेते हैं तो उसे हम कह सकते हैं माइल्ड ओके नेक्स्ट में मूव करते हैं हम लोग आगे मूव करते हैं नेक्स्ट जो आपका ओके तो गाइज आपके वर्ड्स यहाँ तक हैं आप लोग आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा जैसे कि आप जानते हैं कि आपके महापैक्स अवेलेबल हैं आपको बहुत ही कम प्राइस में और 2024 के एग्जाम्स जो है एकदम झड़ी लगेगी एक बार से तो आप लोगों का ये टाइम है कि आप लोग सही टाइम पे बैचर्स ज्वाइन करके पढ़ना स्टार्ट करें एक अपना ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर एक ऑर्गेनाइज सिलेबस बनाए अपनी स्ट्रेटी बनाए कि मुझे इस टाइम पे इंग्लिश पढ़ना है क्वाइंट्स पढ़ना है रीजनिंग पढ़ना है ठीक है फिर आपका जीए पढ़ना है बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ना ये सब चीज़ों के लिए आपके पास प्रॉपर स्ट्रैटेजी और पूरा एक कंटेंट होना चाहिए आपका गाइडेंस होना चाहिए तभी हम एक स्पेसिफिक टाइम पे अपना सिलेबस फिनिश कर पाते हैं प्रैक्टिस में मूव कर पाते हैं और एक अच्छा एक लेवल डेवलप करते हैं या हम एग्जाम में एक अच्छा कॉम्पिटिशन देके एक अच्छा पोजिशन हासिल कर सके तो आप इसको ज्वाइन करने के लिए कोड वाई लगाएंगे तो आप कोड वाई लगाएंगे तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा ठीक है तो आप चाहे बैंक का महापैक लें या बैंक का महापैक प्लस लें बैंक का महापैक में आपको एस बी आई आई बी पी एस और आर बी से रिलेटेड एग्जाम्स मिलेंगे से रिलेटेड बैचेस मिलेंगे हर बैच जो आपके अवेलेबल इस, इस होती भी अलावा रेगुलेटरी बॉडीज के एग्जाम जिसके आप तैयारी कर रहे हैं जैसे कि आपके आरबीआई नबार्ड सेबी है ना इन के एग्जाम्स भी इसमें इंक्लूडेड होंगे प्लस में और अगर आपका भाई बहन या आप खुद बैंक के साथ एस रेलवे की प्रिपरेशन भी करने का सोच रहे हैं तो आप बैंक अड्डा का महापैक लें जिसमें आपको तीनों कैटेगरी के बैचेस मिल जाएंगे ध्यान रखिएगा आपको कोड वाई एट सेवन फाइव लगाना जिससे आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा तो मिलेंगे बैचेस में गई